नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। आज विधानसभा मॉनसून सत्र का अंतिम दिन है और वित्तीय हालातों को लेकर जिस तरह से कल से चर्चा शुरू हुई है उसी को लेकर आज चर्चा आगे बढ़ेगी। और उससे पहले ठीक 11 बजे प्रश्नकाल होगा, 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा। उसके अलावा 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे और नियम 101 के तहत भी एक मामला जो है वो सदन में आज उठाया गया है। काफी महत्वपूर्ण अंतिम दिन रहने वाला है मॉनसून सत्र का, जिस तरह से वित्तीय हालातों को लेकर चर्चा हो रही है। कल भी विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष ने सदन में जो है वो वित्तीय स्थिति को लेकर जो है कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केंद्र को कब तक जो है वो सरकार कोसती रहेगी, आप जो है वो सत्ता में हैं तो जिम्मेदारियां भी आपकी ही होंगी। मुख्यमंत्री पर उनका साफ तौर पर निशाना था। इसके अलावा आशीष शर्मा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री पर काफी निजी हमले भी किए और कई तरह के आरोप जो है वो मुख्यमंत्री पर लगाए हैं और आपदा के नाम पर अवसर की बात उन्होंने कही कि आपदा के नाम पर सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अवसर तलाशे हैं और वित्तीय कुप्रबंधन जो है इस दौरान हुआ है। और दूसरी तरफ से हर्षवर्धन चौहान और भवानी सिंह पठानिया ने सदन में चर्चा में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की जो देनदारियां हैं उसके चलते हिमाचल प्रदेश में जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार जो है वो संसाधनों को जनरेट करने का काम कर रही है। तो इसको लेकर आज चर्चा आगे बढ़ेगी और 12 से 15 सदस्य जो है अभी भी चर्चा में हिस्सा लेंगे और दोनों की तरफ से जो है पक्ष रखे जाएंगे, किस तरह से वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की है और इसको किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है, क्योंकि सैलरियां जो है पहली बार हिमाचल के इतिहास में लेट हुई है। 5 और 10 तारीख को पेंशन और वेतन इस बार मिले हैं कर्मचारियों और पेंशनरों को। तो इन तमाम मसलों को लेकर जो है वो चर्चा दोनों तरफ से चर्चा का इसमें सुझाव दिया गया था ताकि एक विस्तृत चर्चा हो और डिटेल रिपोर्ट जो है बनकर तैयार हो कि आखिर कहाँ कमियाँ हैं, किस वजह से जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो इस तरह से नुकसान में है और किस तरह से इसको पटरी पर लाना है, इसको लेकर ये चर्चा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से कल एक बिजली संशोधन, शुल्क संशोधन जो बिल है 2024 वो सदन में रखा गया है, जिस पर आज चर्चा होनी है। और इस बिल के मुताबिक जो है हिमाचल प्रदेश में बिजली थोड़ी महंगी होगी, क्योंकि 10 पैसे प्रति यूनिट जो है वो मिल्क सेस जो है वो सरकार लगाने जा रही है, इसमें ये संशोधन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण टैक्स भी सरकार वसूलेगी, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वहाँ पर भी जो इस तरह का पर्यावरण जो टैक्स है, जो शुल्क है वो लगाया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन पर भी जो है वो यहाँ पर जो है सेस लगाने की बात हो रही है ताकि हिमाचल प्रदेश की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी है उसको मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, किसानों को इसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। तो इस दिशा में भी जो है वो सरकार आज काम करेगी और ठीक 11 बजे जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, प्रश्नकाल रहेगा 1 घंटे का, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है और मॉनसून सत्र पहले 10 दिन का था लेकिन 1 दिन जो है वो एक्सटेंड किया गया है हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालातों को लेकर खास तौर पर चर्चा के लिए, ताकि सभी लोगों को जो है इसमें हिस्सा लेने का मौका मिले, सभी लोग अपने सुझाव रख सकें। हालांकि अभी तक जो दोनों तरफ से एक दूसरे पर ही दोषारोपण किया जा रहा है कि आपकी वजह से हिमाचल प्रदेश में कर्ज बढ़ा, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति इस तरह की पहुंच गई है, सुझावों पर जो है माननीयों का कम ही जो है वो फोकस नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष ने कहा है कि जिस तरह से फौज की खड़ी की जा रही है, चाहे CPS हो या चेयरमैन हो, उनके वेतन भत्ते भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है बोझ है, इनको भी कम करें, इस तरह के सुझाव भी आए हैं। लेकिन जिस तरह से आर्थिक स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी गंभीर है हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि 90,000 करोड़ के आसपास का कर्ज हिमाचल प्रदेश में जो है वो पहुंच गया है और आने वाले समय में ये कर्ज और बढ़ेगा, इसलिए जो है इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से ये कहा जरूर जा रहा है और देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो सुझाव और निकल कर आते हैं जिस पर सरकारें सोचती है। 2 जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है विक्रम सिंह की तरफ से, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर गर्ली को ऊना जो है ट्रांसफर हस्तांतरण करने के विषय को लेकर ये जो है वो सदन के भीतर 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और अनुराधा की तरफ से भी, अनुराधा राणा जो कि लाहौल स्पीति की विधायक हैं, उन्होंने सदन में लाहौल स्पीति की विकट परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विद्यालयों के विलयकरण में जो है वो रियायत की इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि उसमें कुछ रियायत दी जाए, क्योंकि स्कूलों को जो है सरकार मर्ज कर रही है, जिन स्कूलों में संख्या कम है और जिन स्कूलों में इनरोलमेंट कम है उन स्कूलों को जो है वो शिक्षा विभाग ने मर्ज कर दिया है। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2024 सदन में चर्चा के लिए लाएंगे और उसके बाद इसको पारित किया जाएगा, जिसके मुताबिक जो है जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि बिजली प्रति यूनिट जो है वो 10 पैसे उसमें बढ़ जाएंगे, थोड़ी मार जो है वो लोगों पर पड़ेगी। और इसके अलावा नियम 324 के अंतर्गत भी 2
मामले जो हैं वो सदन में उठेंगे। इंद्र सिंह तारा देवी घाटी उपमंडल को सुन्नी जल शक्ति मंडल में सम्मिलित ना करने के बारे में जो है एक उल्लेख है, और इंद्र सिंह की तरफ से ही दूसरा जो है शिमला एयरपोर्ट जुब्बलहट्टी यूको बैंक संपर्क मार्ग से नालागढ़ राज्य मार्ग के अवरुद्ध होने से उत्पन्न स्थिति को लेकर जो है वो चर्चा होगी। और ये देखिए विपक्ष के जो विधायक हैं वो सदन में चर्चा के लिए जा रहे हैं। ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से आज के दिन की शुरुआत होगी और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला दिन, और देखना होगा क्योंकि मुख्यमंत्री का आज पूरी चर्चा के बाद जो है वो रिप्लाई भी आएगा। और मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि उनको पूरा समय जो है वो बोलने का मिलना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी पूरा समय दिया गया है, बीच में इंटरप्ट नहीं किया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री ने तंज कसा है कि बिना वॉकआउट किए जो है आप सरकार का पक्ष भी सुने, मुख्यमंत्री की पूरी बात सुने, इस तरह का मुख्यमंत्री का कल कहना था। तो अब देखना होगा कितना संतुष्ट जो है वो विपक्ष नजर आता है और कितनी देर तक जो है वो सदन की कार्रवाई चलती है या जो है वो इसमें वॉकआउट हो जाता है। और ये देखिए ये विधायक जो है वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। 11 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण मसले जो हैं वो सदन के भीतर आज भी गूंजेंगे। कल भी जो है हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर सदन में प्रश्नकाल के दौरान काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली थी और काफ़ी जो है वो चर्चा सदन में इस मसले को लेकर हुई थी, और सरकार को विकटकक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि इन योजनाओं को बंद ना किया जाए, जनहित की योजनाएं हैं। और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ धांधलियां पाई गई हैं, अनियमितताएं पाई गई हैं, इसके चलते इनको फिलहाल जो है कुछ लिमिटेड किया गया है। इन तमाम चीज़ों की विस्तृत जानकारी लेने के बाद, क्योंकि एक कमेटी भी बनाई गई है जो इन तमाम मसलों को लेकर देखेगी कि क्या कुछ अनियमितताएं हो रही हैं, और उसके आधार पर सरकार जो है वो आगामी जो है इसमें जो है वो चर्चा करेगी और विचार करेगी कि किस तरह से इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना है ताकि सही बेनिफिशियरी को जो है सही मायने में जो लाभार्थी है, जिसको ज़रूरत है, जो पीड़ित है, उसको योजनाओं का लाभ मिल सके, इस तरह का मुख्यमंत्री का साफ तौर पर इस पे कहना था। लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है वित्तीय हालातों को लेकर जो सदन के भीतर आज चर्चा होगी, किस तरह से चर्चा में जो है वो विपक्ष के जो विधायक हैं और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं अब वो सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, किस तरह से चर्चा चलती है, क्योंकि एक दूसरे पर जो है कहीं ना कहीं ठीकरा यहाँ पर फोड़ा जा रहा है जो हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालात बने हुए हैं। लेकिन किस तरह से रास्ता निकलना है और किस तरह से हिमाचल प्रदेश को इस वित्तीय स्थिति से उभारना है, कर्ज को कम करना है, इन मसलों को लेकर क्या कुछ अहम सुझाव जो है वो सदन के भीतर आते हैं, ये देखना काफ़ी अहम होगा। और कितनी देर जो है वो चर्चा चलती है और कितना संतुष्ट जो है विपक्ष यहाँ पर मुख्यमंत्री के जवाब से नजर आता है, ये जो है वो काफ़ी अहम रहेगा आज का दिन। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, ताज़ा तीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।